हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आप लोग के लिए हम था सूत्र के लिए कहा है किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, क्या कि आप लोग के स्टूडेंटों के लिए काफी प्रॉब्लम रहता है कि समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि एक आपका एग्जैक्ट इक्वेशन बन सके, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी समीकरण को कैसे आप 20 से 30 सेकेंड में संतुलित कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस आपको करना है, स्ट्रिक को समझना है कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, कैसे अभिकर्मक से उत्पाद बन रहा है तो अभिकर्मक उत्पाद का द्रव्यमान समान हो। रासायनिक संतुलित तभी कहलाएगा जब दोनों तरफ का क्या द्रव्यमान समान हो, कंजर्वेशन ऑफ मास, अभिकर्मक इक्वल टू उत्पाद। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल कैसे इक्वेशन को संतुलित किया जाता है। मान ले पहला एग्जाम्पल आपका है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन को जो अभिक्रिया कराया गया अमोनिया से, इसमें आपको बैलेंस करना है कि दोनों तरफ का मोल समान हो, द्रव्यमान समान हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर रहा होगा, सबसे इजी एग्जाम्पल ये, 1-2 का बच्चा भी आके इसको समझ जाएगा, इतना इजी पे है कि यदि आपको बैलेंस करना है कि डाई नाइट्रोजन, इधर दो नाइट्रोजन दो है परमाणु है, कितना है एक परमाणु है, इधर हाइड्रोजन कितना है दो परमाणु, इधर है तीन परमाणु, यानी जितना अभिकर्मक में है उतना उत्पाद में नहीं है, और आपको दोनों तरफ बैलेंस करना है। तो सिंपल मेथड है, अपना मन से मान लीजिए इसके आगे ए, इसके आगे बी, इसके आगे सी। मान लीजिए कि जो संतुलित समीकरण होगा उसमें क्वेश्चन में आपका जो गुणांक होगा ए बी सी, ए बी सी, अगर उत्पाद और ज्यादा है तो डी मान लेंगे। तो ए बी इतना करने के बाद हमको क्या देखना है कि अभिकर्मक में कौन कौन सा तत्व तो भाग ले रहा है, कि जो तत्व तो अभिकर्मक में भाग लेगा उत्पाद में वही रहेगा। तो हमको दो तत्व तो दिख रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो लिख लेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो आइए देखते हैं कि अभिकर्मक में जो नाइट्रोजन होगा वो दो गुना होगा ए का, ए का दो गुना 2A। और देखिए और नाइट्रोजन कहाँ पे है, आपका नाइट्रोजन है उत्पाद में, बराबर उत्पाद अभिकर्मक बराबर क्या उत्पाद, तो आपका इक्वेशन बैलेंस कहलाएगा। हम लोग माने थे कि ए बी और सी, तो नाइट्रोजन कितना होगा, जितना ए का ए गुना होगा, तो दो नाइट्रोजन है तो 2A 2A, बराबर यहाँ नाइट्रोजन कितना होगा, जितना सी होगा, तो एक नाइट्रोजन है तो 1C 2A बराबर सी। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है पी गुना, दो हाइड्रोजन है कितना दो बी गुना, तो 2B। अभिकर्मक में हाइड्रोजन है दो गुना पी का, तो उत्पाद में क्या है 3 गुना C का, तो बराबर 3C। ए बी सी मान लिए, इस अभिक्रिया में दो तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हम देख रहे हैं नाइट्रोजन जो है 2 गुना A का होगा, हाइड्रोजन 2 गुना B का होगा। अब इसमें जिसका संख्या ज्यादा है अपना मन से एक मान लेंगे, जो ज्यादा बार आया है, तो देखिए सी आपका ज्यादा आया है सर, 3C और सी ज्यादा है, सी का संख्या ज्यादा है, तो मान लिए कि सी बराबर 1। अपना मन से क्या मान लेते हैं कि सी बराबर 1, सी बराबर 1। जब सी का मान आप एक माने, क्योंकि संख्या क्या है ज्यादा है, तो सी का मान आप एक माने तो ए का मान निकल जाएगा कैसे, 2A बराबर 1, 2A बराबर 1, तो ए बराबर कितना आ गया हाफ। तो सी को एक माने, सी का संख्या ज्यादा था, तो सी को एक माने तो ए का मान निकल गया कितना, जब ए का मान निकल गया तब बी का मान निकाल देंगे सर, तो बी का मान सर 2B बराबर 3C, सी का मान कितना था एक, कितना हो गया सर, तो B बराबर 3/2, B बराबर 3/2, तो ABC का मान निकल गया है। तो आइए आप सबको इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं इसका मान, जो उतार लिए देख लिए कैसे किए हैं, नाइट्रोजन का आगे मान, डाई नाइट्रोजन का आगे मान लिए हैं इक्वेशन ए बी और सी, इस अभिक्रिया में दो तत्व तो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होगा 2 गुना A का जितना माने हैं, हाइड्रोजन होगा 2 गुना B का, फिर उत्पाद में नाइट्रोजन कितना होगा, एक नाइट्रोजन परमाणु है तो C गुना होगा,
और हाइड्रोजन कितना है, तीन गुना सी। तो नाइट्रोजन कहाँ का है, 2A बराबर उत्पाद में है, जितना C होगा C गुना एक। हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना P अभिकर्मक में बराबर उत्पाद में 3 गुना C 3C, दो तत्व था। इसमें C का मान हम लोग एक माने क्योंकि C की संख्या ज्यादा है, C का A मान एक माने तो A का मान और B का मान निकल गया। आइए हम इसका मान पुट करते हैं। देखिए A का मान कितना आया, हाफ। A का मान आया है हाफ। अब B का मान कितना आया, 3/2, 3/2। और आपका C का मान कितना आया था, C का मान आया एक, मतलब NH3। मान पुट कर दिए A का, B का और C का। अब देखिए जब मान पुट कर दिए तो क्या हम देखें कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखिए दो दो कट गया, एक नाइट्रोजन परमाणु, दो दो कट गया तीन हाइड्रोजन परमाणु, इधर भी एक नाइट्रोजन परमाणु हुआ तीन हाइड्रोजन परमाणु। लेकिन ये क्वेश्चन देखने वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जो बटे में है इसमें इक्वेशन बैलेंस है सर। यदि आपको लग रहा है कि बटे में इक्वेशन ना रहे तो आप क्या कीजिए, जितना बटे में है यहाँ पे कितना हाफ है तो दो से गुना कर दीजिए। इस इक्वेशन को आप दो से गुना भी कर सकते हैं, यदि दो से गुना करें देखिए क्या होगा, 2 2 तो कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो N2 बचेगा। इसको भी दो से गुना कीजिएगा तो 2 2 कट जाएगा, 3H2 बचेगा। इसको भी दो से गुना कीजिए तो 2NH3 बचेगा। देखिए आपका वैलेंस इक्वेशन आ गया है, N2 प्लस 3H2 उत्पाद क्या है, 2NH3। इस तरह से आप प्रत्येक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको संतुलित कर सकते हैं ABCD मानकर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि आपका अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अभिकर्मक में क्या है, दो अभिकर्मक है जिसमें तीन तरह का, चार तरह का था तो हमको दिख रहा है, देखिए कौन कौन। तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे, इसके आगे ए, इसके आगे बी, इसके आगे सी, इसके आगे डी। माना कि संतुलित समीकरण में बैलेंस इक्वेशन में ए बी सी डी गुणांक लगा है जो समीकरण को बैलेंस किए हुए है। तो आइए हम पहले देखेंगे कि अभिकर्मक में कितने प्रकार का तत्व है, कितना देखिए दो, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब चार प्रकार का तत्व इस अभिक्रिया में भाग लिया है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आइए देखते हैं मैग्नीशियम कहाँ कहाँ पे है। देखिए तो अभिकर्मक में मैग्नीशियम तीन परमाणु है तो तीन गुना ए का 3A। और मैग्नीशियम उत्पाद में कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, सी गुना एक मैग्नीशियम परमाणु है तो एक गुना सी सी, तो 3A बराबर सी। अब देखते हैं नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है। तो आपका नाइट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ देखिए दो परमाणु है तो 2 गुना ए, ए से गुना किए थे तो 2A कितना हो गया, 2A। अब देखिए नाइट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है अमोनिया में, तो एक नाइट्रोजन परमाणु है 1 गुना डी, सिर्फ डी होगा तो 2A बराबर डी। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 2 गुना पी का। अब देखिए उधर हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो उधर आपको हाइड्रोजन दो जा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कितना, 2 परमाणु है तो 2 गुना सी, 2 गुना कीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होगा तो 2 गुना सी प्लस हाइड्रोजन आपका यहाँ भी है, उत्पाद में दो जगह हाइड्रोजन है तो 3 गुना डी, अमोनिया NH3 तो डी का 3 गुना होगा तो 3D। अभिकर्मक में जहाँ था 2B, उत्पाद में दो जगह हाइड्रोजन है 2B = 2C + 3D। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे है, आपका एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन परमाणु है तो 1 गुना B तो B। इधर ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे है तो 2 गुना है तो 2 गुना ऑक्सीजन गुना C तो 2C कितना होगा, 2C क्या हो,
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है, दो है, हॉल टू है, दो ऑक्सीजन परमाणु होगा तो दो गुना सी का टू सी। अब देखिए चार तत्व था इस अभिक्रिया में, चारों का हम लोग स्थान लिख दिए, कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन है, कहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है। अब देखते हैं किसका संख्या ज्यादा है जो बार बार आ रहा है। देखिए तो 3A 2A और कोई है तो आपका ज्यादा, देखिए आपका ए ही रिपीट हुआ है, ए का संख्या आपका ज्यादा है। तो मान लीजिए ए का मान हम लोग मान लेते हैं एक, क्योंकि तो जिसका ज्यादा है आपको ए को मान लेते हैं, आपको कितना एक मान लेते हैं, तो ए बराबर वन, ए आपका ज्यादा है, 3A 2A ज्यादा, डी भी है 3D 1D है, ए को ही एक मान लेते हैं, ए बराबर वन। जब ए का मान एक रखें तो आपका सी का मान निकल जाएगा कितना, 3 × 1 = C, तो सी का मान आ गया 3, सी का मान आ गया 3। जब सी का मान निकल गया तो यहाँ देखिए यहाँ से भी हम डी का मान निकाल सकते हैं क्योंकि ए को एक माने हैं, तो 2 × 1 = T, तो डी बराबर हो जाएगा कितना 2, डी बराबर 2, डी ए का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, बच गया बी का मान। तो देखिए बी कहाँ है सर, बी आपका यहाँ है, यहाँ भी बी है, कहीं से मान सकते हैं, तो यही दे लेते हैं बी बराबर है 2C, और सी का मान कितना आया था 3, सी का मान 3, तो 2 × 3 तो बी बराबर आ गया 6। अरे यहाँ से आपको ए का मान, सी का मान, डी का मान और बी का मान निकल गया, तो हम लोग अब सबका मान पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, तो उतार लीजिए वैसा देख लीजिए फिर सबका मान पुट करते हैं। देखिए अब सबका मान पुट करते हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान। देखिए ए का मान एक था, ए का मान एक, Mg3N2 ए का मान एक, बी का मान कितना आया है 6H2O। अब देखिए सी का मान कितना आया था, सी का मान 3 Mg OH2। डी का मान कितना आया था, डी का मान 2 2NH3 2NH3। देखिए आपको एक बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, बैलेंस समीकरण, बैलेंस समीकरण प्राप्त यहाँ पे आपको हो चुका है। देखिए कैसे, इधर था 3 मैग्नीशियम परमाणु, इधर भी 3, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर 6 × 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 × 6 = 2 हाइड्रोजन है, 2 × 3 = 6 हाइड्रोजन, अब 5 × 3 = 6 6 = 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस है, 6 × 6 = 6 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर देखिए 3 × 6 कितना हो आपका, यहाँ 6 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर भी कितना है 3 × 6 मतलब 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु है। इस तरह आपका बैलेंस इक्वेशन मिल गया है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है, इसको आप बोलते हैं श्वसन। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ये देखिए क्वेश्चन आपको बैलेंस दिख नहीं रहा होगा, इधर 6 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर कितना 2 हाइड्रोजन है, यानी कोई बैलेंस इसमें नहीं है। अपना ट्रिक है, अपना मन से मान लेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। भाई देखते हैं कितने तरह का तत्व इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, एक कार्बन आपका है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब पूरे अभिक्रिया में मात्र 3 प्रकार के ही तत्व है। कौन कौन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा कोई तत्व तो नहीं है। अब क्या मान लिया हम लोग, ए बी सी और डी। आइए देखते हैं कार्बन कहाँ कहाँ है,
यहाँ पे छह कार्बन है तो छह गुना है, ए का छह गुना होगा 6A। अब देखिए कार्बन कहाँ पे है, यहाँ भी कार्बन है, जो कार्बन हो कितना एक कार्बन, तो ए गुना सी, जो सी माने थे 6A बराबर सी, 6A बराबर सी, अभिकर्मक बराबर उत्पाद। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, देखिए 12 हाइड्रोजन है, इसके आगे एक हम लोग माने थे तो 12A यानी 12A, और हाइड्रोजन कहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे है तो 2D, अभिकर्मक बराबर क्या उत्पाद कितना हो गया 2D, 2D। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे है, देखिए 6 गुना A, यहाँ ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है 6 गुना A 6A, और देखिए कहाँ ऑक्सीजन है यहाँ पे भी है, दोनों अभिकर्मक है जुट जाएगा 2B 6A प्लस 2B बराबर, देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन है तो 2C 2C प्लस डी, प्लस डी एक ऑक्सीजन परमाणु है प्लस डी प्लस डी। अब देखिए इसमें कार्बन का स्थान मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, देखिए किसका संख्या ज्यादा है जो बार बार रिपीट हुआ, देखिए ए आपका ज्यादा रिपीट हुआ है, ए देखिए 6 है, यहाँ भी है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, जो ज्यादा बार आपको मिलता है उसको मान लिया जाता है कितना, लेट ए बराबर 1, ए का मान हो गया 1, जब ए का मान हो गया 1 माने है तो सी का मान यहाँ से निकल जाएगा तो 6 गुना A बराबर सी, सी बराबर हो गया आपका कितना 6, सी का मान निकल गया। अब ए का मान पता है तो डी का मान निकल जाएगा, कैसे 12 गुना 1 बराबर 2D, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 12/2 बराबर 6, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 6। यहां से आपका ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया और सी का मान निकल गया, अब बचा है बी का मान, तो बी का मान तो इसी से निकलेगा, इससे बी का मान आपका देखिए कैसे 6 गुना A, ए को एक माने थे 2 गुना B, बी का मान कितना आया था, और बी का निकालना हमको है 2B, सी का मान 1, डी का मान कितना आया, डी का मान आया था 6, डी का मान आया 6, तो 6 प्लस 2B बराबर 2 प्लस 6 कितना, 6 2 8, इसको भी उधर भेज दीजिए 2B बराबर कितना हो गया 2B बराबर हो गया 6 2, सी का मान आपका देखिए 6 था सर, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सी का मान कितना था 6, रुक जाइए देखिए अच्छा से, एक का मान आया, एक माने थे, एक संख्या ज्यादा था तो 6 गुना A प्लस 2B बराबर 2C, सी का मान 6 आया था, सी का मान 6 आया था, देखिए सी का मान 6 प्लस डी, डी का मान भी कितना है 6, कितना हो गया तो 6 प्लस 2B बराबर 6 2 12 प्लस डी का मान कितना था, डी का मान 6 था, डी का मान 6 था आपका प्लस 6 कितना हो गया 12 6 18, 6 प्लस 2B बराबर 18, 2B बराबर 18 माइनस 6, 6 उधर भेज दो तो B बराबर यहाँ आ जाएगा 6, कितना आएगा 18 में 6 गया 6, और 2 से भागा दिए 12 में कितना आ गया 6, तो A का मान निकल गया, B का मान निकल गया, C का मान निकल गया और D का मान निकल गया, तो मान पूर्ण करते हैं, A का मान आया आपका कितना 1, तो C6 H2O6, अब B का मान कितना आया है, B का मान आया है 6, 6O2, C का मान कितना आया है, C का मान भी 6 आया है 6CO2, D का मान कितना आया है, D का मान 6 आया है 6H2O। यहां से आपको एक बैलेंस समीकरण मिल चुका है, देखिए बैलेंस समीकरण 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 2 12 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है 6 2 12 12 6 18 ऑक्सीजन, इधर देखिए 6 2 12 12 6 18 ऑक्सीजन,
इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन बैलेंस हो गया है। बशर्ते ए बी सी डी मान लेना है और देखना अभिक्रिया में कितने तरह के तत्व भाग ले रहे हैं। आइए एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते। देखिए इसमें क्या किया गया है, पेंटेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया है, एल्केन है, पेंटेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ है। सेम विधि है, मान लेते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें कितने तरह का तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको देख लेना है कहाँ कहाँ कार्बन है, तो 5A कितना हो गया 5A, और कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे C के बराबर है, 5A बराबर C, और कहीं कार्बन नहीं है सर। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है, 12 हाइड्रोजन है तो 12A, और हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ आपका 2 गुना है जल में तो 2D। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे है, आपका ऑक्सीजन है, देखिए अभिक्रिया में भाग ले रहा ऑक्सीजन, 2 मोल है, अभी माने थे ए बी सी और डी तो 2B, कहाँ का ऑक्सीजन है, अभिकर्मक में भी ऑक्सीजन है 2 गुना बी का, उत्पाद में देखिए ऑक्सीजन कहाँ पर है 2C, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन परमाणु का है, और आपका ऑक्सीजन एक जल में भी है 2C+3। देखिए तो यहाँ भी ए को आप ए मान सकते हैं, तो लेट क्योंकि ए का संख्या ज्यादा है, बार बार रिपीट हुआ है, ए बराबर 1, तो ए बराबर 1 मान के आप ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं, काफी इजी पे है। यदि आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो एल्केन के लिए एक और खतरनाक ट्रिक देते हैं, सिर्फ एल्केन के लिए क्या करना है आपको, सी एन एच टू एन प्लस 2, ये आपको पता ही एल्केन का सूत्र होता है सी एन एच टू एन प्लस 2, यदि इसको ऑक्सीजन से जलाओगे 3N+1/2O2, 3N+1/2O2 उत्पाद क्या बनेगा, N मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N+1 मोल जल CnH2N+2, ये 3N+1/2 ऑक्सीजन रहेगा, जहां N है कार्बन की संख्या, एन क्या है कार्बन की संख्या, मतलब ऐसे भी एल्केन को आप बैलेंस कर सकते हैं इस फॉर्मूला से भी, सी एन एच टू एन प्लस 2 प्लस 3N+1/2 3N+1/2O2 और एन मोल बनेगा CO2। मान लीजिए कि आपका 5 कार्बन है, ठीक है, तो मान लीजिए ABCD मेथड आपको नहीं आता है कि ABCD वाला झमेला लगता है, तो एल्केन को ऐसे ही बिठा सकते हैं, मान लो कि 5 कार्बन है तो 5 × 15 = 16/2, 5CO2 5+1 6H2O, मान लो कि ब्यूटेन है, क्या है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन C4H10 तो C का मान 4 हो गया ब्यूटेन में, तो 4 × 12 = 13 13/2, एन का इधर भी कितना 4, इधर का मान 4। मतलब सर एल्केन को बैलेंस करने का आपको 2 ट्रिक यहाँ बता दिए, एक अपना पुराना ABCD मेथड, ABCD मान लेना है कौन कौन तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको लिख लेना है, कहाँ कहाँ पे है उसका स्थान उसको बराबर करना है, जिसका संख्या बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक मान सकते हैं, या फिर एल्केन के लिए ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं CnH2n+2 3n+1/2 O2 NCO2 n+1 H2O, जहाँ एन क्या हो गया कार्बन की संख्या। अब चाहेंगे तो एल्केन को ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं, काफी धासु ट्रिक था सर। इससे इस विधि द्वारा ABCD विधि हो या एल्केन का विधि हो, एल्केन का ट्रिक सिर्फ एल्केन में ही काम करेगा, लेकिन जो आपको ABCD मान के बताए थे वो हर जगह लागू होगा। बस सत्य आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एक दो क्वेश्चन अपने खुद से बनाइएगा तो काफी कॉन्फिडेंस आएगा। इतना सस्ता विधि है कि मुश्किल 20 से 30 सेकेंड आपको लगेगा, बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, कैसे समझाया गया है, इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा। आज हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए और YouTube को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको केमिस्ट्री का इस तरह का बहुत ट्रिक मिल सके। आज जैसे आपको आगे समयता का ट्रिक बताने वाले हैं।
कैसे एल्केन का आइसोमेरिज्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।